गाइस यहीं कहीं है, मेरे को आवाज आ रही है इसके चलने की। अबे ये अंधेरा कैसे है यहाँ पे डूड। बोरा पीछे से जाके इसके पिछवाड़े पे लगाएंगे। ओ भाई यार क्या था ये, वो भी ये खड़े ही रह गया और पीछे क्या हिल रहा था। एक था ग्रैंडपा, एक थी ग्रैनी, दोनों ने आके मुझे पीट दिया, खत्म कहानी। ऐसे कुछ हुआ था लास्ट वीडियो में, ग्रैनी और ग्रैंडपा ने 50,000 बार मेरा सर फोड़ा था। लेकिन आज मैं उनका आज सर नाक मुंह सब फोड़ दूंगा। ग्रैनी एंड ग्रैंडपा रोएंगे, अपन उनको डंडे से धोएंगे। आ चुके हैं हम ग्रैनी के घर के अंदर, और गाइस अगर हमें ग्रैनी और ग्रैंडपा का सर फोड़ना है तो हमें सबसे पहले ढूंढने होंगे वेपन्स, वरना गाइस ये लोग हमारा सर फोड़ देंगे, और ये बिल्कुल मैं नहीं होने दूंगा आज गाइस, कुछ भी हो जाए। और गाइस जब तक हमें वेपन नहीं मिलते तब तक हमें ग्रैनी और ग्रैंडपा से चुपके रहना पड़ेगा, और जब वेपन मिल जाएंगे तो ग्रैनी और ग्रैंडपा मुझसे चुपके रहेंगे, और तब गाइस मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं इनको इतना मारूंगा कि इनके सर से खून वो निकलेगा। कोई तो है, मेरे को यहाँ पे पैरों के आवाज आ रही है, कोई है, कोई ना कोई है हमको मारने वाला, घंटी की आवाज आ रही है गाइस, कोई सामने से आने वाला है। आई एम श्योर। ग्रैंडपा भाई साहब, गाइस ऐसा कभी नहीं हो कि दोनों साथ में आ जाए। मैं भाई साहब यहाँ पे जाके छुपने वाला हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा रिस्क, और मैं यहाँ पे छुप के रहूंगा। गाइस लास्ट टाइम पता क्या हुआ था, जब मैंने ये गेम खेला था तो जैसे ही मैं टर्न ले रहा था कहीं पे मुड़ रहा था तो जस्ट सामने से ग्रैनी आ जाती थी या फिर ग्रैंडपा आ जाता था, और ऐसे करके शायद मैं 5 में से 4 बार तो ऐसे ही मर गया था और मैं एस्केप नहीं कर पाया था। तो आज मैं ये गलती बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। अभी ये लोग गाइस ट्रैप रख के जा रहे हैं, आई एम श्योर ये लोग ट्रैप रख के जा रहे हैं, बट मैं भी चालू हूँ, मैंने आवाज सुन ली है, बस मेरे को ये देखना है कि ये लोग है कहाँ पे। ओए ये गाने वाने कौन चला रहा है? गाइस यहीं कहीं ट्रैप होगा। अबे चलने की आवाज आ रही है मेरे को। ओ वो रहा ट्रैप। गाइस इसका मतलब मेरा शक जो था वो बिल्कुल सही था, कि जो ट्रैप है वो इन लोगों ने रख ही दिया है, और ये इतना ज्यादा शोर करता है ना यार कि ग्रैनी यहाँ पे आ जाती है। तो अभी तो नहीं आई है गाइस, हमारे लिए बढ़िया है, हम लोग आ रही है, पता नहीं क्या ही बोल रहा हूँ मैं। गाइस कोई ना कोई है आस पास ही, ग्लास यूज है यहाँ पे। ओके अभी मैं इसको नहीं लेने वाला हूँ, अभी मैं यहीं पे छोड़ने वाला हूँ, और हम लोग यहाँ पे गाइस नीचे चल के देख लेते हैं। ये जगह पे कई बार काफी सारी चीजें मिल जाती है, आज हमको मिल चुकी है स्टन गन, और ये टाइम आ चुका है गाइस ग्रैनी और ग्रैंडपा का सर फोड़ने का। आजा एमओ। एंड गाइस अब हमारा टाइम छुप के काम करने का हो चुका है खत्म। अब ग्रैनी एंड ग्रैंडपा हमसे छिपेंगे। एंड हाँ गाइस आज मैं एस्केप करने वाला हूँ डोर वाली। ग्रैनी देख मैंने यहाँ पे पेंटिंग करा दी तेरी। ग्रैनी डार्लिंग, सॉरी गाइस इसको डार्लिंग बोल रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे मजे में बोल रहा हूँ, सीरियसली नहीं बोल रहा हूँ। इतनी गंदी शक्ल की डार्लिंग तो बिल्कुल नहीं सकती। गाइस ये डांस करती है एंड फाइनली ये गिर चुकी है, एंड ग्रैंडपा भी आते ही होंगे भाई साहब। गाइस यहाँ पे मैं मुड़ रहा था एंड ये लोग मुझे मार दे रहे थे, बट आहा इस बार तू करते रहे आहा, तुम तुरक तुम। और गाइस इस बार मैं इनके चंगुल में बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ, इस बार मैं बहुत ज्यादा संभल के खेलने वाला हूँ। एंड मेरे को सिक्योरिटी की दे, बुड्ढे अंकल मेरे को सिक्योरिटी की चाहिए। अबे ओए कहाँ आ गया यार ये, वहां मैं को मातन घसीट के मैं इसको यहाँ पे ले आया। अरे क्या कर रहे यार ये, मेरे पैर मेरे पकड़ रहा है भाई, पैर मत पकड़। एंड इसको मेरे को खोलना है, यहाँ पे है कुछ नहीं। एंड यहाँ पे बोट स्टीयरिंग व्हील मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि गाइस आज हम लोग डोर एस्केप करने वाले हैं। बेड पे मेरे को एक पिक्चर मिली है जो कि मैं नहीं लेने वाला हूँ, एंड इसको मैंने क्यों हाथ में पकड़ा हुआ है। ओके ये मेरे को चाहिए, इसको मैं यहाँ पे खोलता हूँ। अबे खुल जा यार। एंड इसको मैं यहाँ से करता हूँ ड्रॉप, खुल जा। सिम कुछ नहीं है यार, किस्मत काफी खराब किस्मत है हमारी भाई साहब, कुछ नहीं मिल रहा है हमको यहाँ पे। एंड गाइस ग्रैनी एंड ग्रैंडपा जब तक जिंदा हो उसके पहले मुझे यहाँ पे सारा कुछ देख लेना कि सारी चीजें लोगों ने कहाँ पे रखी हुई हैं, ताकि जैसे ये लोग जिंदा हो मैं इनको दोबारा से बचा दूं सर पे। और गाइस अभी तक मुझे वेपन की नहीं मिली है, खैर हमारे पास स्टन गन आ चुकी है तो एटलीस्ट ये चीज अच्छी है, एंड हेलीकॉप्टर की तो मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। तो गाइस हम लोग की स्टन गन यहीं कहीं गिरी होगी, ये रही। आ जा बेटा। अभी तक ये लोग शायद जिंदा नहीं हुए। गाइस आज का चैलेंज चलो ये रखते हैं कि हम लोग इन लोग से बिना मरे हम लोग यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है गाइस आज का हमारा चैलेंज है ये। एंड आई थिंक ये लोग जिंदा हो चुके हैं। ओके तो गाइस मेरे को रेंच मिल चुका है, एक मिनट को पहले मैं इनको निपटा देता हूँ, उसके बाद गाइस मैं रेंच लूंगा। ग्रैनी रुको गाइस मेरे को यहाँ पे एक पेंटिंग कराने दो। आ गई ग्रैनी, आपका नाम लिया भाई साहब, बहन जी, और आप यहाँ पे आ चुकी है, वेलकम है जी। अरे वेपन दे दे, सॉरी मेरी स्टन गन की एमो दे दे। एंड गाइस थोड़ी ही देर में ग्रैंडपा होने वाला है जिंदा, मैं यही बोल रहा था। कैसे यार ये लोग
गड़बड़ है गाइस, ये चीटिंग होती है, मतलब इंसान कैसे मारेगा। एंड गाइस पता है एक चीज और बताता हूँ आपको, जब वो सामने आते हैं ना तो आप उनको शूट करते हो तो वो शूट करना अलाउ नहीं करते हैं, आपके सारे के सारे जो कंट्रोल्स होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, तो ये चीटिंग है। अगर यहाँ पे दोबारा से आके उसने मुझे मारा मैं गेम तोड़ दूंगा, मतलब गेम कैसे तोड़ते हैं, मतलब कुछ तो कर ही दूंगा, लेकिन कर दूंगा मैं बता रहा हूँ यार, ये चीटिंग होती है, कंट्रोल फ्रीज नहीं होने चाहिए। ग्रैंडपा बुढ़े अंकल आईसीयू, मैं तुझे आईसीयू पहुंचाऊंगा बदतमीज इंसान। तो गाइस अच्छा हाँ मेरे को रेंच मिल गया था, तो अभी जाके गाइस मेरे को रेंच से वो नीचे खोलना है। अबे ये भी जिंदा हो गई, तुझे अभी तो मारा था, चलो लेकिन अच्छी चीज है गाइस, ये लोग एक बार यहाँ पे मर चुके हैं तो हमारे लिए चीज बढ़िया है। अभी हैंड व्हील को मैं यहाँ से उठाता हूँ, खुल जा तू भी खुल जा, एंड हैंड व्हील को ले जाके गाइस मैं नीचे खोल देता हूँ, और यहाँ पर जो रेंच पड़ा हुआ है उससे भी मैं अभी अपना काम करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ एंड लगाता हूँ इसको यहाँ पे। ओके हमारी जो रेंच था वो था यहाँ पे। रेंच भाई साहब आइए, अब आपका काम यहाँ पे ऑन पड़ा है, ऑन पड़ा है, ऑन पड़ा है, हमको जाना है यहाँ से नीचे। हम लोग पहुंच गए यहाँ पे नीचे, एंड अब जाके इसको खोलेंगे और मॉन्स्टर को जो वाटर वाला है उसको नीचे भेज देंगे। इसको करते हैं यहाँ पे ड्रॉप और हम निकलते हैं यहाँ से बाहर। एंड रुक तू बेटा, तू वेट कर मेरा, मैं तेरे लिए स्टन गन लेके आ रहा हूँ। आजा स्टन गन, अभी तेरा काम है यहाँ पे। हम लोग जाके इस छोटू से बच्चे को, गंदे से बच्चे को बचाएंगे। ओए लड़के, ओ बच्चे, ओ भाई साहब तेरे घर में आ गए लोग। मुझको लगा मैं इसको नहीं मार पाया। थैंक गॉड हमारी एमो कहाँ है? ओए हमारी एमो कहाँ है? डूड मेरी एमो कहाँ है? अबे कहाँ है मेरी एमो? अबे इसने मेरी एमो खा ली, इसने मेरी एमो खा ली यार, मेरी एमो खा ली यार, मेरे पास एक तो वेपन था वही इसने खा लिया। अब ये लोग जिंदा होंगे तो मैं मारूंगा कैसे? इसका मतलब गाइस मेरे को काफी फास्ट काम करना पड़ेगा। इसको मैं जल्दी से यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, मैं यार अपनी एमो ढूंढने जाता हूँ, मेरी एमो मिल जाए बस मजा आएगा। अब तो गधा वहाँ पे चिल्ला रहा है, ग्रैनी आ जाएगी यार। मत चिल्ला मेरे भाई, मत चिल्ला, मत चिल्ला, मेरी गन कहाँ है? डूड मेरी गन कहाँ चली गई यार, मैंने कहाँ फेंकी थी गन? अच्छा यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, सॉरी सॉरी। ओके तो गाइस मैं पैनिक कर रहा था। अच्छा मेरी एमो ये है, तो गाइस मेरे को एमो मिल चुकी है फाइनली, फाइनली गाइस। मैं काफी डर गया था गाइस, मेरे को घबराहट हो गई थी अंदर से बहुत ज्यादा। अच्छा ये लोग जिंदा हो चुके हैं, यहाँ पे मैंने पेंटिंग गिरा दी है गाइस, गाइस मैंने पेंटिंग गिरा दी है। ग्रैनी आइए ना यार, ग्रैनी आइए ना गाइस, ग्रैनी थर्ड टाइम यहाँ पे मरेगी इसी जगह पे, थर्ड टाइम ग्रैनी का मैं आज अंतिम संस्कार करूंगा। और जब भी ये मरे ऐसे ऐसे करके तुन 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 करना इंपॉर्टेंट है। और गाइस इस बार भी सेम वाली चीज होने वाली थी, वो तो मैं दिमाग लगा लिया मैंने, अबे एमो दे दे मेरी यार। और यहाँ पे अभी मैं ये करने वाला हूँ कि मैं अपनी जो ये चीज है इसको मैं उठाता हूँ, एंड इसको मैं गाइस ऊपर लेके जाने वाला हूँ। और गाइस हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना अभी हमको चाहिए क्रोबार। और गाइस अभी ये जो पिक्चर है इसको लेके मैं यहाँ से जाने वाला हूँ ऊपर, एंड यहाँ पे गाइस मेरे को पूरी की पूरी उम्मीद है कि मेरे को वायर कटर मिल सकता है। अभी क्रोबार मिल गया, नाइस नाइस नाइस। रुक जा इसको खोल, एंड यहाँ पे इसको करो ड्रॉप, अबे नीचे चला जाता तेरी शर्म। हाँ नीचे चले जाओ मेरे भाई, प्यारे भैया मेरे, नीचे चले जाओ। पाके पाके क्या होता है? ओके होता है, बेवकूफ इंसान, ओके होता है। चलो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एंड इसके अंदर मिल जाएगा क्या वायर कटर? वायर कटर, वायर कटर, वायर कटर, वायर कटर, ये मेरे को नहीं चाहिए, मैं को क्यों ले रहा हूँ। मैं यहाँ से नीचे मारता हूँ जंपी जंपी। एंड गाइस आई थिंक ये लोग जिंदा होने वाले होंगे, तो अभी मैं जल्दी से यहाँ से ऊपर जाता हूँ, एंड इसको मैं करता हूँ यहाँ पे ड्रॉप। एक काम करता हूँ, ड्रॉप नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसको जाके लगा देता हूँ, क्योंकि जो थर्ड पिक्चर है वो वहाँ पे डाइनिंग टेबल ना वहां पे पड़ी होगी। इसको खोलने के लिए मेरे को गन चाहिए, और मेरे को वो कहां मिलेगी? वेपन की नहीं मिली अभी तक, वेपन की नहीं मिली है अभी तक। ओई 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 गाइस यहां पे आवाज हुई, एंड आई थिंक अभी तक ग्रैनी जिंदा नहीं हुई है। अच्छा अगर मैं इसको लगा दूंगा तो शायद वो वाला डोर खुल जाएगा पीछे वाला। ओके तो गाइस वहां पे मेरे को उम्मीद है कि मेरे को वेपन की मिल सकती है, ऐसा मेरे को अंदर से ना फीलिंग से आ रही है, यहां पे हो सकती है वेपन की। क्या है वेपन की? हां है वेपन की, मेरी फीलिंग गाइस कभी गलत होती नहीं है। मतलब इतना ज्यादा दिन से मैं ये गेम खेल रहा हूं ना कि मेरे को समझ आ जाता है कि ये लोग कहां से नौटंकी करेंगे। अभी गाइस ये लोग पक्का जिंदा हो चुके होंगे, होंगे होंगे होंगे। इनको गाइस पहले निपटा देता हूं मैं, इनका मैं काम कर देता हूं पहले तमाम। हां जी भाई साहब, आपके हस्बैंड कहां है? आपके हस्बैंड का पता नहीं है मेरे को यार। आपके हस्बैंड जी, हस्बैंड जी, ग्रैनी के हस्बैंड भाई कहां है? अंकल जी, अरे इधर, ओए चाचा 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 पीछे देख लो भाई साहब, चाचा चाचा, ओ चाचा चाचा पीछे नहीं देख रहे, मैं इतने से कह रहा हूँ चाचा पीछे देख लो, चाचा पीछे देख लो, चाचा भी काफी अनोइंग है। ओके तो गाइस क्रोबार हमको यहाँ पे मिल चुका है, यहाँ पे गाइस आई थिंक वायर कटर मेरे को मिल सकता है। अबे यार डक्ट टेप मिल रहा है, डक्ट टेप का क्या अचार डालूंगा क्या मैं? आई थिंक जो वायर कटर होगा वो नीचे वाले बॉक्स में हो
सकता है। तो नीचे वाला बॉक्स खोलेंगे, वायर कटर को ले लेंगे, सेफ की मिली है, सेफ की के साथ में हमको मिल सकता है वायर कटर। क्या सेफ में है वायर कटर, क्या सेफ में है वायर कटर, क्या सेफ में है वायर कटर, सॉरी कटिंग प्लायर्स बोलते हैं इनको, वायर कटर नहीं बोलते, कटिंग प्लायर्स बोलते हैं। कोई बात नहीं यार, वायर ही काट रहे हैं ना अल्टीमेटली, तो अगर हम लोग इनको ये बोल देंगे तो भी कोई गंदी बात नहीं है, कोई बुरा नहीं मानेगा। ओके अभी गाइस मैं इसको जाके करता हूँ यहाँ पे ड्रॉप 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 ड्रॉप। मेरी गन कहाँ, रुको एक काम करता हूँ, मैं वेपन की से अपनी ये निकाल लेता हूँ वेपन। गाइस ये वाला जो वेपन है ना, ये वाले वेपन से हम लोग ग्रैनी का सर पैर हाथ मुंह नाक सब कुछ तोड़ सकते हैं। ये काफी डेंजर होता है, ये काफी डेंजर होता है। मैं गाइस काफी दूर से आ रहा हूँ इसे घुमा घुमा के, ताकि गाइस ये लोग मेरे को मार ना पाए। ये वाली चीज ना हमेशा बहुत ज्यादा गंदी होती है। मैंने बोला था ना कि ये वाली चीज बहुत ज्यादा गंदी होती है। ये गाइस चीटिंग है, ये है चीटिंग, CHEATING, चीटिंग 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 चीटिंग। गाइस अपनी गन तक मुझे पहुंचना है, सबसे पहले अपनी गन तक पहुंचना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। खुल 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 खुल। गाइस इस तरफ से ग्रैनी ना आए बस। ओके तो गाइस ग्रैनी नहीं आई है, मेरी स्टिंगर मिल जाए मुझे। तो गाइस ग्रैंडपा यहाँ पे कहीं पे था, और मिल जाओ ग्रैंडपा 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 ग्रैंडपा। ये रही ग्रैनी, तुझे ही झूठ रहा था मैं। आंटी तूने मेरे को पिछली बार धोखे से जो मारा है ना, अबे घर बदतमीज, तूने मेरे को जो धोखे से मारा है ना, मेरी नाक में खुजली होने लग गई। ऐसा कुछ नहीं गाइस, मेरी नाक में खुजली तो बस ऐसी नॉर्मली हो रही है, सच में हो रही है, मैं मर जाऊंगा, ग्रैंडपा आ जाएगा यार। गाइस यहीं कहीं है, यहीं कहीं है, मेरे को आवाज आ रही है इसके चलने की मेरे को आवाज आ रही है ग्रैंडपा। अभी ये अंधेरा कैसे है यहाँ पे डूड। बोरा बोरा बोरा, इसको पीछे से जाके बजाएंगे, इसके पीछे से जाके इसके पिछवाड़े पे लगाएंगे। भाई यार क्या था ये, वो भी ये खड़े ही रह गया डूड। ये काफी वियर्ड है, ये खड़े ही रह गया और पीछे क्या हिल रहा था डूड डूड डूड। ये सच में फनी था, ये सच में फनी था। एंड अभी गाइस मेरे को इसको खोलना है, एंड खुल जा। एंड आई थिंक मेरे को अंदर से ऐसी फीलिंग सी आ रही है कि मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। जो हमारा डोर का हैंडल था वो मैंने कहीं पर रखा हुआ देखा था। आई थिंक गाइस वो डोर का हैंडल यहाँ पे तो नहीं था, यहाँ पे तो वो था। अभी डोर का हैंडल कहाँ देखा था गाइस, कहाँ पे था, 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 क्या यहाँ पे था, नो, क्या यहाँ पे था, नो। अभी कहाँ था यार, मैं देखा भी था कि नहीं देखा था, या फिर मेरे को ऐसे धोखे से गलत लग रहा है। मेरी गन यहाँ पे पड़ी थी। एंड गाइस अभी मैं गन को लेके ऊपर जाता हूँ, क्योंकि शायद जो ऊपर वाला टास्क है ना, अगर मैं उसको कर लूंगा तो हो सकता है कि गाइस वहाँ पे कहीं पे मेरे को मिल जाए डोर हैंडल। एंड यहाँ पे गाइस हो सकता है, रुको मैं इसको एक बार खोल देता हूँ। खुल जा। तो मुझे नीचे से जो वायर कटर है वो लेके आना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से कूद ही मारूंगा तो ये लोग आसपास तो नहीं है ना। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे पेंटिंग कराता हूँ, ग्रैनी आएगी उसके बजाऊंगा। एंड अभी गाइस हमको यहाँ पे बस आराम से खड़े होकर वेट करना है, जैसे ग्रैनी आएगी उसके सर पे बजाना है, एंड फिर उसके बाद हम लोग अपना काम करने के लिए लग जाएंगे। ग्रैनी देख मैंने तेरी लाइट गिरा दी यार, ग्रैनी डार्लिंग। यार ग्रैनी को डार्लिंग बोलना गंदी बात है, बट वो मुझसे निकल जाता है। अच्छा डार्लिंग सुनते ही ये पहले आ जाती है, पास में आओ ले बड़ा। और गाइस ऑब्वियसली ग्रैंडपा भी जिंदा हो गया होगा, देखा गाइस। इस बार गाइस वही वाली चीज होने वाली थी, मैं बता रहा हूँ। ये लोग जानबूझ के ना ऐसी जगह पे स्पॉन करते हैं गेम वाले कि मैं मर जाऊं, लेकिन गाइस मैं हूँ स्मार्ट, ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द ग्रैनी चैप्टर 2, तो मैं नहीं मरूंगा अब। अब गाइस मैं कसम खाता हूँ, एंड मैं ये वादा रहा सलम करता हूँ आप लोग से कि मैं आज के गेम प्ले में एक भी बार नहीं मरूंगा, पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस ले लो। एंड मेरे को चाहिए क्या था, अच्छा मेरे को ये चाहिए था। अभी गाइस मेरे को कटिंग प्लायर लेके ऊपर जाना है, एंड मेरे को ऊपर जाने के बाद खोलना है इसको, एंड देन इसको, एंड यहाँ पे रहा डोर हैंडल। तो अभी गाइस हम लोग को जो फाइनल चीज है, फाइनल चीज जो है वो हमको मिल चुकी है, और यहाँ से मैं जल्दी से भागूंगा भागूंगा भागूंगा। एंड गाइस मैंने बोला था ना कि मैं आज के डेट में नहीं मरूंगा, तो मैं नहीं मरूंगा। और गाइस यहाँ पे पास में है मेरा डोर, यहाँ पे मेरे को लगाना है डोर का हैंडल, एंड मेरे को लगानी है यहाँ पे पैडलॉक की। अबे अच्छा ओके, तो गाइस पैडलॉक की तो मैंने ऑलरेडी लगा दी थी, एंड मैं कर चुका हूँ एस्केप। यस 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 यस। अब क्या करोगे तुम लोग, ये गाइस ये लोग मेरे को ढूंढ रहे हैं, जा चुके भाई साहब, हम जा चुके हैं, बाय बाय। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जल्दी से आ जाना, बाय 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 बाय।